इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के बारे में। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसका यूज़ किया जाता है, कितने का यूज किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, इसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। तो स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं स्टोसिड प्लस टेबलेट्स, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी एमआरपी 799। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं पैरासिटाम्स एंड सिटीकोलिन टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर पैरासिटाम्स 800 mg प्लस सिटीकोलिन 500 mg इसके अंदर डाले गए हैं। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल स्ट्रोक के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है स्ट्रोक के इलाज के लिए या टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का इस्तेमाल स्ट्रोक के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाने के कारण होती है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स स्ट्रोक के मरीजों की रिकवरी तेजी से करने में मदद करता है। यह ब्रेन के नुकसान को कम करता है और उपचार को बढ़ावा देता है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का इस्तेमाल स्ट्रोक के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का डोज और डोजन की बात करें तो इसका डोज और डोजन आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी, आपका वेट कितना है, आपकी कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोजन नॉर्मल तौर पर आफ्टर मिस रहता है, यानी कि टेबलेट्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। वही टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में हो सकता है वजन बढ़ना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स स्टोसिड प्लस टेबलेट्स। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के अंदर दो दवाई देती है, यानी कि सिटीकोलाइंस और पैरासिटाम्स। सिटीकोलाइंस नसों को सुरक्षा प्रदान करने वाली दवाई है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को पोषक देकर ब्रेन पर काम करता है, उन्हें नुकसान से बचाता है, उनकी उत्तरजीविता में सुधार करता है। पैरासिटाम्स एक गाबा यानी कि गामा एमिनोब्यूटिरिक्स एसिड एनालॉग है। ये ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन और तंत्रिका तंत्र की रक्षा करके काम करता है और तंत्रिका कोशिकाओं झिल्लियों पर विभिन्न आयन चैनलों को प्रभावित करता है। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो स्टोसिड प्लस टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेशन बताए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल दिया है वहाँ पर बताए। स्टोसिड प्लस टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।